हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष मतलब विषुवतीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो बच्चों, ये डेरिवेशन बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसा कि हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर किया था। तो बच्चों, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वो वीडियो भी देख लें, जिससे आपको ये वीडियो और भी सरल लगेगी। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसमें दो आवेश होते हैं जो परमाणु में बराबर और प्रकृति में विपरीत होते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाता हूँ और इस पर मैंने बनाए एक आवेश और ये दूसरा आवेश। ये ए बिंदु है और ये है बी बिंदु। यहाँ रखा है माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर स्थित है प्लस क्यू आवेश। तो सबसे पहले हमें इसी डेरिवेशन के अनुसार थोड़ा सा काम करना है। मैंने विद्युत द्विध्रुव बनाया है, दो आवेश हैं जो परमाणु में बराबर और प्रकृति में विपरीत होते हैं और इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, 2a। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी को दो भागों में बांट देते हैं। तो ये हो गया इसका केंद्र, विद्युत द्विध्रुव का ये हो गया केंद्र, और इनके बीच की दूरी जो 2a होती है उसे दो भागों में, a और a दो भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी a। तो पहला मैंने काम कर लिया है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव बना लिया है। अब मुझे बनानी इसकी निरक्ष। तो बच्चों, निरक्ष और अक्ष क्या होती है? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को ये मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे निरक्ष कहते हैं, और निरक्ष की जो लंबवत ये रेखा होती है इसे अक्ष की जो लंबवत रेखा होती है उसे निरक्ष कहते हैं। और सभी दूरियाँ हमें कहाँ से नापनी है? द्विध्रुव के केंद्र से। तो माना यहाँ से मैंने ये द्विध्रुव के केंद्र से ये देखो स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर मैंने एक पी पॉइंट ले लिया है, और इस पी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब मैं यहाँ पर अगर एक कूलाम क्यू नॉट बराबर एक कूलाम परीक्षण धनावेश रख देता हूँ तो उस पर बल किस दिशा में लगेगा मुझे वो ज्ञात करना है। तो ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से हम करेंगे जैसा पहले किया था कि एक बिंदु आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर दूसरे बिंदु आवेश के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और दोनों का सदिश योग कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, पहले हम पढ़ चुके हैं एक बिंदु आवेश के कारण अपने से r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान होता है E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो E बराबर के क्यू, क्यू माने आवेश, कितना आवेश है? प्लस क्यू है तो मतलब क्यू रखेंगे, बटा आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है बच्चों? देखो, ये r नहीं रखनी है, r होता है इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें रखनी है। तो बच्चों, ये हमें बनानी पड़ेगी। तो देखो, ये मैंने ये दूरी बना ली। तो ये दूरी इस प्रश्न में इस जगह r है, तो ये दूरी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास ये दूरी है r और ये दूरी है a। तो यहाँ पर एक बच्चों त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, और ये 90° एंगल है और इसके सामने की भुजा कर्ण, ये हमारी इस सूत्र में r है। तो अगर मैं इस भुजा का मान निकालूं तो यह आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने इस त्रिभुज बच्चों पाइथागोरस प्रमेय में लगाई है, ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाकर मैंने ये दूरी निकाल ली। तो मुझे बच्चों ये दूरी यहाँ रखनी पड़ेगी, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। तो ये दूरी बच्चों यहाँ पर आती है, और अगर मैं इसे स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर सकता हूँ तो के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो मैंने पहले बता दी, यहाँ पर अगर मैं एक कूलाम
क्यू नॉट बराबर प्लस एक कूलम पर छड़ धनावेश रखूँ तो उस पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन ही विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ प्लस क्यू आवेश रखता हूँ और ये प्लस क्यू है तो ये इसको अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा इस तरीके से, और यही इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये आवेश इस दिशा में बल लगाएगा बच्चों, तो ये इसकी दिशा होगी। तो इसे बनाते हैं धनावेश से दूर, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई ई वन। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्लस क्यू आवेश रखूँगा तो ये प्लस क्यू आवेश इसे इस डायरेक्शन में बल लगाएगा और यही इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसे लिख सकते हैं बी पी, बी से पी की ओर, बी पी दिशा, ये इस दिशा में बच्चों ये बल कार्य करेगा। समीकरण नंबर एक बना देते हैं। अब बिल्कुल यही काम करना है माइनस क्यू आवेश के साथ। इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वही सूत्र है के क्यू बटे आर स्क्वायर। चिन्ह नहीं लगाना है बच्चों, ना ही प्लस ना ही माइनस, उसकी सहायता से केवल हमें दिशा लेनी है। तो के आवेश कितना बच्चों, क्यू, और फिर वही बात दूरी आर स्क्वायर। आर क्या है तो आर फिर से क्यू आवेश और इस पी पॉइंट के बीच की दूरी बच्चों आर है। तो मैं इन दोनों को मिला दूंगा और तो बिल्कुल ऐसा ही त्रिभुज यहाँ बन गया। ये भुजा भी पाइथागोरस प्रमेय में लगाने के बाद इसका मान आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसे यहाँ रख देंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसे खोलेंगे तो के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन बच्चों ये माइनस आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसे इस समय खींचेगा बच्चों। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी ई टू की डायरेक्शन पी से ए की ओर, पी ए दिशा। तो बच्चों इस प्रकार हमें यहाँ पर ये ई वन और ई टू के मान मिल जाते हैं। अब बच्चों अगर हमें पी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है तो अब क्या करेंगे, पी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की अगर हमको तीव्रता निकालनी है तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब इन दोनों का हम सदिश योग कर देते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये आती है बच्चों, जब हम जोड़ते हैं तो हमें इन दोनों के बीच में कोण मालूम होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ ये कोण इनके बीच नहीं पता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ लेगा नीचे या यहाँ ले ले या ऊपर लेगा तो ये कोण बदलेगा, तो यहाँ कोण की कोई जानकारी नहीं है। तो बच्चों जब दो सदस्यों के बाद हमें कोण नहीं मालूम होता है तो फिर हम इसमें घटक विधि का उपयोग करेंगे। तो बच्चों देखो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी बिल्कुल थीटा होगा, एक जैसे त्रिभुज बन रहे दोनों। अब मैं इस ईवन सदिश के दो घटक करता हूँ बच्चों, लंबवत घटक। तो एक तो घटक हो जाएगा इसका इस दिशा में और इसका बच्चों एक घटक हो जाएगा ऊपर की ओर, जैसा अपन सदस्यों के विभाजन पढ़ते हैं। तो इस ईवन के दो घटक हो जाते हैं, और बच्चों हम जानते हैं किसी भी सदिश के दो घटक होते हैं, जैसे कोई सदिश ए है उसके दो घटक होते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर एक सदिश ई वन है तो इसके दो घटक होंगे ई वन कॉस थीटा और ई वन साइन थीटा। तो बच्चों कौन सा घटक कॉस का होगा, कौन सा घटक साइन का होगा, बच्चों देखो ये थीटा कोण है, तो अगर ये थीटा कोण है तो ये कोण भी थीटा कोण होगा। और बच्चों जिस अक्ष से कोण बनता है वो घटक हमेशा कॉस होता है, तो इसका ये वाला घटक हो जाएगा ई वन कॉस थीटा और ये वाला घटक हो जाएगा ई वन साइन थीटा। इसी प्रकार बच्चों अब हम इस सदिश के घटक करते हैं, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, एक अंतर कोण होता है ये, और इसके दो घटक करेंगे तो एक घटक इस डायरेक्शन में आएगा और एक घटक इस दिशा में आएगा। इस E2 के दो घटक होंगे E2 टू साइन थीटा E2 टू कॉस थीटा। इस सदिश ने इस अक्ष से कोण बनाया बच्चों, तो ये घटक होगा E2 टू कॉस थीटा और ये वाला घटक होगा E1 वन साइन थीटा। तो बच्चों अब क्या होता है, E1 और E2 दोनों के मान देखो बराबर हैं, यहाँ पर ये E1 वन साइन थीटा और ये बच्चों ये E2 टू साइन थीटा, सॉरी ये घटक E1 वन साइन थीटा और E2 टू साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर हैं। देखो ये E1 वन ईवन है, E2 बराबर है, कोण भी बराबर है। तो यहाँ पर E1 वन साइन थीटा और E2 टू साइन थीटा
परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो इस P बिंदु पर इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक कूलांश रखूँ तो वो इस दिशा में गति करने लगेगा। तो बच्चों कुल विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता आई E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 E2 का मान बच्चों यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा E बराबर E1 का मान है KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा प्लस KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। इन्हें जोड़ेंगे तो ये होएगा 2 KQ बटा अंडर रूट सॉरी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। अब बच्चों ये थीटा हमें नहीं पता है तो इस cos थीटा को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। चाहे हम इस त्रिभुज में जाके निकालें चाहे दूसरे त्रिभुज में जाके निकालें एक ही मान आएगा। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया a और करंट का मान हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर रूट को हम इसकी घात 1/2 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा E बराबर 2 KQ बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणा ए बटा बच्चों अंडर रूट को हम लिखते हैं घात 1/2। जैसा कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q into 2A। तो Q into 2A इसकी जगह हम लिख सकते हैं E बराबर K की जगह और Q into 2A की जगह लिखेंगे P बटा। अब बच्चों गुणा का चिन्ह है आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात एक है इसकी घात 1/2 है, तो इनका जोड़ करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2। और जैसे बच्चों पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो R है उसका मान A की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर हम R स्क्वायर में A स्क्वायर को जोड़ेंगे तो लगभग हमें R स्क्वायर ही मिलेगा। तो E बराबर KP बटा RQ की घात स्क्वायर आ जाइए 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर KP बटा RQ, ये कहाँ पर आया बच्चों, निरक्ष पर। तो इस प्रकार बच्चों हम द्विध्रुवी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करते हैं जिसका मान आता है KP/RQ। और बच्चों इससे पहले हमने निरक्ष पर भी निकाला है अक्ष पर निकाला है, तो E अक्ष पर इसका मान आता है 2 KP/RQ, ये अक्ष पर आता है। अगर हमने संबंध निकालें तो बच्चों क्या होगा, E अक्ष बराबर 2 × E निरक्ष, मतलब अक्ष पर निरक्ष का हमें दुगना विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। अगर किसी न्यूमेरिकल में हमसे अक्ष और निरक्ष पर पूछे तो हम अगर अक्ष पर निकाल लेते हैं या निरक्ष पर निकाल लेते हैं, उसके बाद इस सूत्र का उपयोग करके हम भी ऐसे हमने पहले निरक्ष पर निकाल लिया तो इस सूत्र का उपयोग करके हम अक्ष पर निकाल लेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।